स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल टेली एक्सप्रेस में, जहां आपको मिलती है स्टार प्लस सुपर हिट सीरियल अनुपमा से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट्स, टॉप कंट्रोवर्सी सबसे पहले। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड्स में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है एक बहुत बड़ा और खतरनाक ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, कार एक्सीडेंट में अचानक से हो जाएगी और किसी की नहीं बल्कि केंजल की मौत। जी हाँ दोस्तों, और इसकी सबसे बड़ी वजह है छोटी अनु। छोटी अनु कार चलाते वक्त यहाँ पे जिद करने लगती है कि उसे आगे आना है, क्योंकि उसे जलन होती है कि जो उसकी माँ है यानी जो अनुपमा है, वो परी को अपनी गोद में लेकर बहुत प्यार कर रही है। ऐसे में वो पीछे से केंजल को डिस्टर्ब करती है और बार बार आगे आने के लिए कहती है। केंजल को उसके हाथ का धक्का लगता है। दोस्तों आपको बता दें कि केंजल की शोक सभा होने वाली है, जहाँ पे वनराज ये इल्ज़ाम लगाएगा कि पहले तुम्हारे पति की वजह से मेरा छोटा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया, और आज तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी घर की बड़ी बहू भी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। तुम सब लोग हमारे परिवार के लिए मनहूस हो, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ और अपना चेहरा हमें वापस कभी मत दिखाना। इतना ही नहीं, जब वापस घर जाएंगे तो ऐसे में छोटी अनु को मालती देवी भड़का देंगी और कहेंगी कि तुम्हारी मम्मी ने सारा इल्ज़ाम तुझ पर डाल दिया, ये कह दिया कि जो कुछ भी हुआ तेरी वजह से हुआ। अब तू बता कि तूने क्या किया है, तूने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन पुलिस अब तुझे पकड़ के लेके जाएगी। ऐसे में छोटी अनु मालती देवी की बातों में आ जाती है और जिद करती है कि वो इस घर में नहीं रहेगी और घर से भाग जाती है। जब अनुज उसे कहीं से ढूंढ कर बचा के लाता है तो यहाँ पे छोटी अनु जिद करती है कि वो अनुपमा के साथ नहीं रहेगी। अनुपमा अच्छी नहीं है, उसे अनुपमा के साथ नहीं रहना। दोस्तों केंजल की शोक सभा और छोटी अनु की नाराज़गी अनुपमा को तोड़कर रख देगी। अब ऐसे में अनुज अनुपमा का साथ देगा या फिर नहीं, ये कहानी में आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। आप लोगों को क्या कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें।